بسم الله الرحمن الرحيم आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम जब रमज़ानुल मुबारक का आखिरी अशरा शुरू हो जाता अपनी कमर कस लेते और इन रातों को जाग के गुजारते और अपने घर वालों को भी उठाया करते, बेदार किया करते। सईदा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं, आप रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे में जितनी इबादत में कोशिश करते, साल के किसी दिनों में या किसी रातों में इतनी इबादत न करते। हमें इन 10 दिनों में जो काम करने हैं उनमें सबसे पहला काम यह है कि हमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की सुन्नत समझकर और आपका हुक्म समझकर लैलतुल कदर की तलाश करनी चाहिए। लैलतुल कदर जिस रात में अल्लाह ने कुरान को नाजिल किया, जो बरकतों से लबरेज रात है, मालिकुल मुल्क ने इसकी अजमत में पूरी सूरत ही उतार दी। 1000 महीने से अफजल ये रात है। इस रात को अल्लाह फैसले करते हैं किसको क्या मिलना है, इसलिए अच्छे फैसले करवाने के लिए इल्तिजाएं करनी चाहिए। ये वो लैलतुल कदर जिसकी तलाश एक मुसलमान को करनी चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम के सहाबा, फिर ताबईन, फिर सलफ सालिहीन तैयारी कैसे करते? आपको पहला काम ये करना चाहिए कि हर रोज अपने आप को एक्टिव करने के लिए रात शुरू होते वक्त ही गुसल कर लें। सलफ सालिहीन हर रात को गुसल किया करते, और उनमें से ऐसे भी थे जो सिर्फ गुसल ना करते बल्कि खुशबू लगाते, इस उम्मीद से कि अल्लाह के नौरानी और मुकद्दस फरिश्तों ने आना है तो हमें ऐसी हालत में होना चाहिए कि उनको कोई तकलीफ ना हो। गुसल करने के बाद दूसरा तरीका, इस रात कसरत से कुरान मजीद की तिलावत की जाए, जैसा कि सलफ सालिहीन ऐसा ही किया करते। और तीसरा काम, इस रात को कसरत से दुआ की जाए। इसलिए सुफियान सौरी कहा करते थे कि इस रात कसरत से दुआ करना कसरत नवाफिल से मुझे ज्यादा अच्छा लगता है। इब्न रजब रहिमहुल्लाहु तआला फरमाते हैं कि इससे मुराद ये है कि ऐसी दुआ जो नमाज में भी की जाए, अगर अकेली दुआ होगी तो वो भी इबादत है, लेकिन अगर नमाज भी पढ़े और नमाज के अंदर कसरत से तस्बीहात करे, कसरत से दुआ करे, तो ये इससे भी अच्छा होगा। चौथा काम, इस रात के अंदर जो कुरान जो नमाज पढ़े गौर करके पढ़े। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी गुजरी, ईशा से लेकर फजर तक आपने मुसलसल क्याम नहीं किया। कुछ लोगों का ये ज़हन होता है कि शायद ईशा से लेकर मैं खड़ा हो जाऊं और ठोंगे मार मार के सारी रात गुजार दूं कि आज मैंने 100 नवाफिल पढ़े हैं। सैयदुल मुरसलीन ने यह काम नहीं किया। सैयदुल मुरसलीन ने जो काम किया है इस कदर खूबसूरत किया है, लेकिन थोड़ा किया है कि आप अगर 11 रकते भी पढ़ते हैं, 8 रकते भी पढ़ते हैं, इस तरह दिल लगा के पढ़ें, गौर करके पढ़ें, खुशू के साथ पढ़ें कि उधर तुम्हारी जुबान पे ये कलाम जारी हो, उधर अल्लाह की रहमतों का नजूल जारी हो जाए। अल्लाह जलाल हम सबको तौफीक से नवाज दे। इस रात को कसरत से सदका करना चाहिए, ये पांचवा काम है। छठा काम, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका मुबारक था, आप हर साल एतिकाफ किया करते और उसके बाद फिर आपकी बीवियों ने भी एतिकाफ किया। एतिकाफ मर्द हो या औरत हो उसका मस्जिद में ही होता है, और एतिकाफ का मकसद ये है अल्लाह के साथ खलवत के वो औकात तलाश करना, लोगों से कट के, लोगों से अलग हो के अल्लाह जलाल के साथ गुफ्तगू करना और उससे इल्तिजाएं करने के औकात को इस्तेमाल करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम ने इन 10 दिनों में एक और बात भी उम्मत को समझाई है, और वो छठी बात भी उम्मत को नहीं भूलनी चाहिए कि साल गुजरने के बाद यही वो मुबारक दिन है
जिन दिनों में अपने मालों की ज़कात अदा करनी चाहिए। जो शख्स ज़कात दे देता है उसका माल पाक हो जाता है, उसके माल के अंदर सलाहियत पैदा हो जाती है बढ़ने की, उसका माल जो रह जाता है वो दुरुस्त होता है। अल्लाह उस माल में बरकत को नाजिल कर देते हैं और उसको बढ़ाना शुरू कर देते हैं। जो शख्स ज़कात देता है वही मोमिन है, जो ज़कात नहीं देता वो मोमिन नहीं होता। बल्कि कहा सच्चा मोमिन वो है जो ज़कात देता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम पर कुरान नाजिल होता है, जो शख्स ज़कात अदा करता है उसे कभी भी अपने माल के बारे में खौफ और गम नहीं आएगा, उसके माल की हिफाजत अल्लाह करते हैं, उसमें बरकत अल्लाह अज़्ज़ल जलाल दाखिल करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो फरमाया जो शख्स ज़कात देता है उसने अपने माली सारे मामलात जो है अल्लाह के सुपुर्द कर दिए, अपनी सारी जिम्मेदारी अदा कर दी माली एतबार से। आखिरी अशरा ये बरकतों से लबरेज अशरा है, ये गिनती के चंद अय्याम हैं। इन अय्याम को और रातों को गनीमत जानो। कैसे गनीमत बना सकते हैं इन रातों को? इन रातों का क़याम कीजिए, कसरत से कुरान पढ़िए, कसरत से दुआएं कीजिए, कसरत से सदका कीजिए और कुरान मजीद को गौर के साथ पढ़िए। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने वाले के लिए ज़रूरी है कि अगर वह अभी तक अपने माल की ज़कात नहीं दे सका तो ज़कात अदा करे। आखिरी बात बड़ी ही उम्दा बात है, ईशा की नमाज की कितनी रखते हैं? चार। जब हम फ़र्ज पढ़ते हैं तो कितने पढ़ते हैं? ईशा की नमाज के बाद फिर आप चार रखते पढ़ रहे जिस तरह आपने फ़र्ज पढ़े थे। ये अमल अल्लाह ताला को इतना पसंद है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया ये चार रकतों का अजर उतना होगा जितना लैलतुल कदर में चार रकतें पढ़ें। इन दस रातों में इस अमल को भी इख्तियार कीजिए। अल्लाह अज़्ज़ल जलाल हम सबको ये सारे फजाइल नसीब फरमाए। वाखिर दुआना अल्हम्दुलिल्लाह।